अरे ये क्या इतने कम कम फूल लगा रहे हो, हा? थोड़ा अच्छे से लगाओ, हा? इस हॉल को बना दो गार्डन। अरे सूरज की शादी है यार, समझ रहे हो? इस शहर के इकलौते कुंवर साहब की शादी है, समझे? चलो करो अच्छे से, वहां भी लगाओ, वो लगाओ, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। मास्टर नी, कैसे लगा सारा तामझाम थारे को? मारे लाडे सर ने खुद खड़े होके सबके हाथों से ये सजवाया है। के बात हो गई छोरी, उदास है? देख, हर लड़की अपने शादी से पहले ऐसे ही उदास हो जावे है, पर थारे को अपनी उदासी अपने मन में रखनी है। मारे लाड़े सर के सामने एकदम खुशहाल दुल्हन बन के आना है थारे को। हाँ, अब जा जल्दी से तैयार हो जा, थारे को बहुत कुछ पहनना भी तो है ना। यहाँ टेम निकलता जा रहा है और वहां मौसा जी का अब तक कोनो इशारा भी नहीं आया। ए छोरी, अब तक यहीं खड़ी है, जा ना तैयार हो। देख मारे को भी तो तैयार होना है ना, चल जा जल्दी। ए छोरे रुक, पता नहीं आप कहाँ हैं ब्रो। भाभी साहब को यहाँ अकेले छोड़ के जा भी तो नहीं सकता, बेचारी इतनी शिद्दत से ढूंढ रही है आपको, बस एक बार आपका पता चल जाए। जिम्मेदारी है मेरी, मैं पति हूं आपका, आपको प्रोटेक्ट करना धर्म है मेरा। आपको इन लोगों के बीच अकेला छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा मैं, अब चाहे कुछ भी हो जाए। थारे को बंद कमरे में रखूंगी, बेटे के जिद के खातिर करना पड़ेगा। अरे क्या कर रही आप, छोड़िए। राधिका जी एक दूसरे को जान ही रहे हैं ना, पास आके। इस कलयुग में एक औरत को अपनी रक्षा खुद ही हथियार उठाकर करना पड़ता है, और इस बार बात हमारे पति और हमारे परिवार की है। अगली बार अगर वो छछुंदर हमारे करीब आने की कोशिश किया तो जवाब में एक खंजर तैयार रखेंगे। जब तक हमें भरोसा नहीं हो जाता कि डॉक्टर साहब सही सलामत है, मंगलसूत्र आप ही के पास रहेगा। डॉक्टर साहब के साथ साथ फेरे लिए हैं हमने, हमारी मांग में सिंदूर भरे हैं, और ये हक हम कभी किसी को नहीं दे सकते। हम डॉक्टर साहब के हैं और हमेशा उन्हीं के रहेंगे। फैसले की घड़ी आ गई है माता रानी, का आशीर्वाद बनाए रखना। सारी तैयारी हो गई ना पंडित जी, पूजा में कोई कमी ना होनी चाहिए, ध्यान रखना। एकदम हैंडसम लग रहा है हमारा लाडे सर। मुहूर्त का समय हो गया है, दुल्हन को मंडप पे बुलाइए। हाँ हाँ, आ रही है माँ। मैं ले आती हूँ उसे, आजा मास्टर।
चलिए पंडित जी, एकदम A1 क्वालिटी के मंत्र उच्चारण करना, महाराज एक लौता लाड़े सर है। ओम हरि ओम मा ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुण ध्वजा। बैठ जा लाड़े सर, चला आ जा पूजा करने। माँ रुक, पंडित जी एक मिनट। ये क्या हुआ, मंत्र उच्चार क्यों रोक दिया तन्ने? लड़की वालों की तरफ से कुछ खास मेहमान है जो अभी तक आए नहीं है माँ, जिनके बिना ये शादी अधूरी है। खास मेहमान? बताता हूँ। चूबे, अजावत के बच्चे, चैलेंज किया था ना मुझे, अब देख तेरे सामने तेरी रानी को अपनी राधिका बना रहा हूं। जो उखाड़ सकता है उखाड़ ले। पंडित जी कंटिन्यू। हरि ओम ओम नमो ब्रह्मण्ड देवाय गौब्राह्मण हिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो ब्रह्मण्ड देवाय गौब्राह्मण हिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। अब आप दोनों वरमाला के लिए खड़े हो जाइए। अब बधू को मंगल सूत्र पहनाइए। ये लीजिए। बधाई हो, आज से आप दोनों पति पत्नी के अटूट बंधन में बंध चुके हैं और ये विवाह संपन्न हुआ। अगर तुम चाहो तो अपने पहले पति का आशीर्वाद ले सकती हो रानी। ओह सॉरी, मेरा मतलब राधिका सिंह शेखावत। हम बुरा नहीं मानेंगे। तुम चाहो तो तुम भी मुझसे आशीर्वाद ले सकती हो सूरज। दिल से दूंगा। शादी मुबारक हो। ठीक है, सरप्राइज। वैसे तो आशीर्वाद हमारा भी देना
बनता है काहे कि हम आपकी मास्टरनी है और आप हमारे स्टूडेंट। तो हाँ, शादी की शुभकामनाएं। आप दोनों सदा सुखी रहे, आपकी पत्नी सदा सुहागन रहे, आपको तमीज सिखाए, अच्छा इंसान बनाए, और अगर आप पटरी से यहाँ वहाँ हिले तो खेच के कान के नीचे कंटाप लगाए। शादी की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ, ये क्या नया आइटम है? ना टेम भी आ गया है प्रिय। अरे अम्मा, तेरा टाइम आने का नहीं है, तेरा टाइम जाने का है। ए मास्टरनी, ये सब क्या हो रहा है? पता हमारे को? जवाब तो आपको और आपके बेटे दोनों को देना होगा, वो भी पुलिस स्टेशन चलकर। धोखाधड़ी, किडनैपिंग और अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्ज में आप दोनों को गिरफ्तार किया जाता है। अरेस्ट। ए, आना मत मारे पास, बोला ना मारे को हाथ मत लगा। एक दो मिनट कोतवाल साहब, अब ये दोनों माँ बेटे क्या करेंगे ना, जेल के सलाखों के पीछे कंफ्यूज आ जाएंगे, बाल नोचते बैठ जाएंगे, समझ ही नहीं पाएंगे कि आखिर हुआ का। तो हम जरा विस्तार से समझा दें खेल में हुआ का, फिर आप इन्हें ले जाइएगा खुशी खुशी। हाँ भैया, तो हुआ कुछ ऐसे था कि हमारा हुकुम का इक्का जो सबकी नजरों से कहीं दूर छुपा बैठा था, उसको हमने काम पर लगाया। कजरी। अरे का बजिया जी, बजाना हमें? अरे हम कजरी उर्फ साही सलोनी, हमारे जमीन का सौदा कैंसिल यहाँ करना ठीक नहीं किए थे आप? जरा पलट तो। अरे हम काहे बोले, अपने लौंडे से रिश्ता कराएंगे का? और उधर सूरज बाबू के लिए दुल्हन तैयार हुई, और यहाँ हम अपने डॉक्टर साहब के पास वापस आ गए, और वो भी बड़ा आसान था, पूछिए कैसे। तो भले ही वीडियो गेम में आप जीत गए, परंतु ई खेल में तो हमारी ही जीत हुई बबुआ। अब उस नाम से पूरे शहर में कुल मिलाकर 12 फैक्ट्री थे। अब उसमें से डॉक्टर साहब को कहाँ रखा गया था वो का पता लगाने के लिए हमारे पास सेनापति थे दो, मौसा जी और पिंकुआ। ओ की हाल रानी सा, पहचाने मैनू? बिचोलिया तू। और फिर इस खेल की सबसे खतरनाक और पक्की खिलाड़ी हमारी रानी सा, उन्होंने जाकर पुलिस के सामने आपका सारा चिट्ठा खोल दिया, तो इस तरह हुआ आपका खेल खत्म। मिठू, तू कब? तब जब थोड़ी देर के लिए तुम्हारी नजरें खेल से हट गई थीं, तुम्हें क्या लगा तुम खेल की बहुत कमाल की खिलाड़ी हो? भूल गई थी कि हम असली रानी सा हैं और हमारा एक्सपीरियंस तुमसे बहुत बड़ा है। कटे गए मारे भाड़े के सारे तत्व,
जिन्हें मैं बुलडॉग बनाने के लिए पाल रही थी, कच्चे मर गए सारे के सारे। अब उन्होंने आपको फोन किया होगा, जरूर किया होगा, पर आपका फोन ना बजा नहीं होगा। चेंज कर दिया था ना मैंने दूसरे सिम से। छोड़ूंगी नहीं, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। तुम सारे रचावटों को देख लूंगी, एक एक करके चुन चुन के सब। ये थप्पड़ ना हमें बहुत साल पहले मार देना चाहिए था, तो आज बात यहां तक नहीं आती। एक शब्द और अगर हमारे परिवार के खिलाफ बोला ना, तो तुम्हारा ये दूसरा गाल लाल करने में हमें टाइम नहीं लगेगा। इंस्पेक्टर, लेके जाओ इस औरत को। आज के बाद हमें यहां दिखनी नहीं चाहिए। बहुत जल्द मुलाकात होगी तारे से। ये कहानी अठे खत्म कोड़ी हुई है, बल्कि तूने तो एक नया अध्याय शुरू कर दिया है। अरे कहां जा रहे हो? जा रहा हूं वहीं से। तो आपका लाख लाख शुक्र है माता रानी, आखिर सच की जीत हुई और बुरे को उसके किए की सजा मिलेगी। आप इस चेयर पर बहुत अच्छी लग रही हैं। लेकिन राजेश्वरी, ये तो आपका स्थान है ना? इस घर से दूर जाने के बाद हमें कुछ चीजों और लोगों की अहमियत समझ आई राजमाता। हमारा पूरा परिवार वापस एक साथ अपनी सही जगह पर आ चुका है। बस अब माता रानी से यही प्रार्थना है कि और कोई कठिनाइयां न आए हमारी खुशियों पर। भक्तपूर्वक हमने विजय और उसके बेटे का जो हालत किया है, उसके बाद कोई हिम्मत कर सकता है रजावतों से फिरने का भला? आप बिल्कुल सही कह रही है। हर मुश्किल को दूर करने के लिए आप जो है हमारे पास। अरे नहीं नहीं, हमारी हिम्मत तो आप सभी है। और वैसे भी अगर हमारा परिवार एकजुट होकर रहेगा तो कभी भी कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वो तो है। राजेश्वरी, आप किन ख्यालों में डूबी हुई हैं? आप कुछ नहीं बोल रही? वो हाँ। अनीसा, आपकी कोई गलती नहीं, हम समझ सकते हैं। अब हालात ही कछु ऐसे थे, इसीलिए आपने किया जो किया। हमने तुम्हें थप्पड़ मारा। अरे तो क्या हुआ, हक बनता है आपका, और कोई भी माँ ऐसा ही करती। उल्टा हमें तो प्राउड फीलिंग होता है कि आप हमारी सासू माँ हैं। अच्छा, इसी बात पर आप हमें आशीर्वाद दे दीजिए। जितना बड़ा काम उतनी बड़ी बख्शीश। तुम्हें नफरत ही दी है, लेकिन आज के बाद हमारे पास तुम्हें देने के लिए सिर्फ और सिर्फ प्यार है। बहुरानी,
जो हमारे इस परिवार के लिए किया है उसके लिए हम हमेशा तुम्हारे एहसानमंद रहेंगे।